हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बुलेट ग्रुप में जितेंद्र। और आज हम बात करने वाले हैं कार्बोरेटर वर्सेस फ्यूल इंजेक्टर, दोनों के ही वर्किंग कैसे होती है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में, एंड दोनों के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या क्या है वो भी एक्सप्लेन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मेक श्योर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मैक्सिमम डिटेल मिल सके कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम के बारे में, क्योंकि अब जो फ्यूचर आने वाला है वो टोटली वर्क पर रहेगा फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम, तो आपको इसके बारे में डिटेल मालूम होना चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग आपको टाइम टाइम मिल सके। तो फर्स्ट दोस्तों मैं बताता हूँ आपको इन दोनों को वर्किंग, पहले कार्बोरेटर का फिर फ्यूल इंजेक्टर का, फिर दोनों को एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों ही अब एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले जानते हैं हम वर्किंग। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बोरेटर जो है वो एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर जो है वो कंबशन चैम्बर में देता है, एंड सामने जो ड्राइंग आप देख रहे हैं वो जस्ट आपको एक टेंटेटिव आइडिया देगा कैसे वो वर्क करता है, एक्चुअल कार्बोरेटर जो है ऐसा नहीं दिखता है। तो दोस्तों जैसा कि आप सामने देख रहे हैं एयर जो है वो ब्लू है एंड फ्यूल जो है वो रेड है। तो अगर हम फर्स्ट हम बात करें एयर के बारे में, तो एयर जो है एयर फिल्टर के थ्रू एंटर करता है एंड सेकेंडरी फिर फिल्टर में आता है, फिर उसके बाद आता है कार्बोरेटर के अंदर में, एंड चोक से वो कंट्रोल होता है, मतलब कितना एयर देना है अंदर की तरफ में कितना नहीं वो चोक से पूरा कंट्रोल होता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं फ्यूल के बारे में। तो फ्यूल इनलेट पाइप से फ्यूल जो है एंटर करता है कार्बोरेटर के अंदर में एंड फ्लोटिंग बाउल में आता है। फ्लोटिंग बाउल एक एरिया है जहाँ पर फ्यूल जो है कार्बोरेटर के अंदर में रहता है स्मॉल अमाउंट में, एंड निडल वाल्व से कंट्रोल किया जाता है कि चाहे ओवर फ्यूल ना हो, जितना फ्यूल चाहिए उतना ही फ्यूल रहे, एंड फिर वो सक किया जाता है मेन जेट से एंड डिस्चार्ज ट्यूब में आता है, फिर वहाँ पर सेकेंडरी एंड प्राइमरी वेंचर होता है, मिलता है एयर और फ्यूल, एंड फिर वो थ्रोटल के थ्रू कंट्रोल होता है। थ्रोटल मतलब एक्सीलेटर, जितना आप देते हैं उतना ही फिर वो तेल जाता है सिलेंडर में, सिलेंडर जो है वो कंबशन चैम्बर होकर आ जाता है, तो कंबशन चैम्बर में वो जाता है। तो इस तरह से कार्बोरेटर सिंपल वर्क करता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं EFI के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर जिसको कहा जाता है, एंड वो कंट्रोल किया जाता है ECU के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के थ्रू, जो कि सभी सेंसर्स का डाटा एनालिसिस करके फ्यूल एंड एयर का जो मिक्सचर है वो देता है कंबशन चैम्बर में। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके वर्किंग के बारे में। तो वर्किंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँ तो ये कंट्रोल किया जाता है ECU के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के थ्रू, मैक्सिमम सेंसर्स पे पूरा ये वर्क करता है, ये मैनुअल सेटिंग्स पे बिल्कुल भी नहीं आता। तो क्या होता है, अब इसकी सेटिंग जो है ECU के थ्रू, जो ECU मैप्स होते हैं उसके थ्रू ही चेंज कर सकते हैं। अगर हम बात करें सेंसर्स के, तो सेंसर्स कौन कौन से होते हैं, इसमें इनलेट वाल्व सेंसर होते हैं, इनलेट वाल्व का जो टेम्परेचर होता है उसका भी सेंसर होता है, थ्रोटल पोजीशन सेंसर होता है, थ्रोटल क्या पोजीशन है वो भी बताता है सेंसर के थ्रू, आपका टेम्परेचर इंजन टेम्परेचर जहाँ पे कंबशन हो रहा है उसका क्या टेम्परेचर है, क्रैंक का पोजीशनिंग क्या है उसका सेंसर होता है, ऑक्सीजन का भी सेंसर होता है जो आउटलेट पाइप में लगा रहता है, जो कि आपका एग्जॉस्ट जो पाइप होता है उसमें लगा रहता है ऑक्सीजन सेंसर, एंड फिर डम्प सेंसर भी होते हैं, एंड ये सारे सेंसर्स को एनालिसिस करके ECU जो है वो वर्क करता है, एंड फ्यूल इंजेक्टर को फ्यूल कितना देना है, देन जो एयर है वो थ्रोटल बॉडी के थ्रू कितना जाएगा वो प्रॉपरली जज करता है, एंड कंबशन स्टार्ट होता है। तो इसीलिए इसका जो वर्किंग है वो ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करता है, आपको अच्छा पिकअप देता है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया वो दोनों को वर्किंग कैसे ये वर्क करता है। अब हम बात करते हैं दोनों के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में और कौन सा बेटर है उसके बारे में। तो दोस्तों अगर कार्बोरेटर की एडवांटेज की बात की जाए, तो कार्बोरेटर का जो कॉस्ट होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, सिंपली ऑपरेट कर सकते हैं आप उसको, ईजिली रिपेयर कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, बहुत ही होता है। अगर सेकेंड पॉइंट बात की जाए तो कोई भी यूज़र उसको अपने रिक्वायरमेंट के साथ इसको ट्यून कर सकता है। तो लास्ट पॉइंट की बात करें तो ये इंजन के साथ जुड़ा नहीं होता है, इसकी वजह से इसका सर्विस या फिर रिप्लेस जो है वो ईजिली आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप बात करें इसके डिसएडवांटेज के बारे में, तो इसको फ्यूल एफिशिएंट नहीं माना जाता, ये टोटली आउटडेटेड डिज़ाइन है, तो ये फर्स्ट है। कार्बोरेटर में कुछ ना कुछ स्लाइट लैग्स होते हैं जिसके वजह से आपको थ्रोटल रिस्पांस प्रॉपरली नहीं मिल पाता, आपको वो डिज़ायर जो पिकअप बोलते हैं ना वो नहीं मिल पाता है, एंड इसके पार्ट्स जो होते हैं टाइम टाइम क्लीनिंग जो है ये सब चीज़ें जो है मेंटेनेंस ये आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए होती है, एंड इसका जो ट्यूनिंग होती है आप अगर आपका एयर एंड मिक्सचर का ट्यूनिंग प्रॉपर नहीं है तो आपको इंजन की स्मूथनेस है उसमें भी थोड़ा इफेक्ट दिखाई देगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं फ्यूल इंजेक्टर के एडवांटेज के बारे में। तो उसमें ऑप्टिमाइज आपको फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर मिलता है जिससे कि आपका कंबशन जो है वो इम्प्रूव होता है, शार्प थ्रोटल रिस्पॉन्स होता है, मतलब आपको अच्छे से पिकअप मिलती है, एंड बेटर फ्यूल एफिशिएंट होता है, आपको इसमें जो पावर होता है कंपेयर टू कार्बोरेटर बेटर मिलता है, एंड ये जो
FI होते हैं वो मेंटेनेंस फ्री होते हैं, जल्दी ब्रेक डाउन भी नहीं होते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करें डिसएडवांटेज के बारे में फ्यूल इंजेक्टर के। तो दोस्तों फर्स्ट तो है ये कार्बोरेटर से बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, एंड सेकंड ये है कि इसको हम रिपेयर नहीं कर सकते सिंपल टूल से, इसको रिप्लेस ही करना पड़ता है जो कि कॉस्टली पड़ जाता है, एंड हम इसको ट्यून या कस्टमाइज अपने हिसाब से नहीं कर सकते, उसके लिए कस्टमाइज ECU मैप कराना पड़ता है जो कि फिर से इसको एक्सपेंसिव बना देता है। तो दोस्तों आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए होंगे एंड आपके जो डाउट थे कार्बोरेटर एंड FI को लेके वो मैक्सिमम कवर हो चुके होंगे। एंड मेरा अगर पर्सनली चॉइस बोला जाए तो मुझे तो कार्बोरेटर पसंद है बिकॉज मेरे को उसको ट्यूनिंग आती है एंड ईजिली मैं उसको क्लीन या फिर ट्यून कर सकता हूँ। FI थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है नॉर्मल राइड्स के लिए, एंड कब ब्रेक डाउन हो जाए वो नहीं मालूम हमको, तो इसके वजह से मुझे कार्बोरेटर ज़्यादा पसंद है। एंड आपको कौन सा पसंद है कार्बोरेटर और FI में से ज़रूर कमेंट सेक्शन बताइए। अगर कुछ आपको डिटेलिंग चाहिए इसमें तो जरूर बताइए, कुछ सजेशन है तो मोस्ट वेलकम है। एंड दोस्तों यहाँ वीडियो को एंड करते हैं, ख्याल रखिए ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट गुरु, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए आती रहेंगी। बाय।